बेस्ट न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ट्रक ने दोपहिया सवार महिला को कुचला। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक ने दोपहिया वाहन पर सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे कुचले जाने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी जख्मी हो गई। मृतक पुलिस नगर निवासी कुसुम सहेद्रपाल चौधरी बताया गया है। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक ने दोपहिया वाहन पर सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे कुचले जाने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी जख्मी हो गई। मृतक पुलिस नगर निवासी पुष्पेंद्र पाल चौधरी बताई गई। बेटी स्वेता का उपचार जारी है। कुसुम के पति निजी कंपनी में मैनेजर है। सोमवार की रात 8 बजे के दौरान कुसुम और स्वेता दोपहिया वाहन से किराना सामान लेने के लिए पारदी नगर जा रहे थे। लोकमान्य मेट्रो स्टेशन के पास गुरु परवा गर्ल्स हॉस्टल के सामने अज्ञात ट्रक चालक ने उनकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। श्वेता और कुसुम गाड़ी सहित रास्ते पर गिर गए। आरोपी ट्रक चालक ने कुसुम को कुचल दिया और फरार हो गया। लोगों की भीड़ जम गई। श्वेता ने घटना की जानकारी पिता को दी। सहेंद्र पाल मौके पर पहुंचे, तब तक पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। तुरंत पर्सन को अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव सहेंद्र पाल की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी चालक का पता लगाया जा रहा है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।